Chiranjeevis are eight immortals living beings in Hinduism who are to remain alive on earth until the end of current Kali Yuga. They will also help Kali, the 10th avatar of Lord Vishnu. Parshuram. परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वह जमदग्नि और रेणुका का पुत्र था। परशुराम ने भयंकर प्रहार करने के बाद भगवान शिव से एक कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। उनका वास्तविक नाम राम है। भगवान शिव ने उन्हें एक कुल्हाड़ी दी और फिर उन्हें परशुराम कहा गया। भगवान शिव ने उनके युद्ध के तरीके और अन्य कौशल भी सिखाए थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे वे अन्य ब्राह्मणों के विपरीत थे। इसके बजाय परशुराम ने एक क्षत्रिय के लक्षण को अपनाया। उन्होंने कई क्षत्रिय लक्षण अपनाए जिनमें आक्रमण, युद्ध, वीरता शामिल थी। इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों काबिलों में कौशल थे। कृपाचार्य, कृपा जिसे कृपाचार्य के रूप में भी जाना जाता है, ब्रह्मा का चौथा अवतार है और चिरंजीवी में से एक महाभारत में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। वह एक विशेष रूप से असाधारण तरीके से पैदा हुए श्रवण और जनपद के पुत्र थे। वे महर्षि गौतम के पोते थे। वह ऋषि अंग्रस का वंशज थे। उन्होंने अपनी बहन कृपा के साथ राजा शांतनु को गोद लिया था। बाद में कृपा एक आचार्य बन गई जो शाही बच्चों के शिक्षक थे। उन्हें कृपाचार्य नाम दिया गया। विभीषण, विभीषण पौराणिक महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण का भाई था। वह लंका के राजा रावण के छोटे भाई हैं। हालांकि खुद एक राक्षस थे, विभीषण एक महान चरित्र थे और रावण को सलाह दी जिसने सीता का अपहरण किया। उन्होंने अपहरण कर लिया ताकि वह अपने पिता राम को एक अदरली में वापस लौटाए और तुरंत, जो रावण ने मना कर दिया था। अब रावण ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो विभीषण ने रावण को छोड़ दिया और राम की सेना में शामिल हो गए। बाद में जब राम ने रावण को हराया तो राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया और वह अयोध्या लौट आए और उनके साथ ही राम ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान भी दिया। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा या द्रोणी गुरु द्रोण के पुत्र और ऋषि भरद्वाज के पोते थे। अश्वत्थामा एक महारथी हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरव पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को गोली मारने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उस पर एक श्राप के कारण वह चिरंजीवी बन गए। अश्वत्थामा अपने माथे में एक मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्होंने मनुष्यों से कम सभी जीवों प्राणियों पर शक्ति देता है। इससे उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाया जा सकता है। ये मणि उसे भूत, दानव, जहरीले कीड़े, सांप, जानवर आदि के हमलों से बचाने के लिए माना जाता है। अश्वत्थामा सभी प्रकार के ज्ञान में स्वामी है और 64 प्रकार के कलाओं में पूर्व महारत रखता है। हनुमान, हनुमान हिंदू महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह एक ब्रह्मचारी और चिरंजीवी में से एक हैं। व्यास, व्यास हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से कुछ महाभारत, वेद और पुराणों में महान लेखक हैं। उन्हें वेद व्यास या कृष्ण द्वापन भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार उन्हें समर्पित है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन उनके जन्म के समय पर मनाया जाता है और जब उन्होंने वेदों को विभाजित किया था। व्यास को सात चिरंजीवी में से एक माना जाता है और अभी हिंदू परंपरा के अनुसार अस्तित्व में है। महाबली, महाबली जिसे बाली या मावेली के नाम से भी जाना जाता है, एक पौराणिक राजा हैं जो हिंदू ग्रंथों में पाए जाते हैं। वह विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पोते थे। प्राचीन ग्रंथों में जैसे शपथ, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत और पुराणों में इनकी कथाएं संस्करण हैं।
उनकी किंवदंती भारत के केरल राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओणम त्यौहार के वार्षिक बाली प्रतिपदा उत्सव का एक हिस्सा है। यह एक चिरंजीवी है।